बिल्डर फ्लोर मामले में हरियाणा सरकार ने जो अस्थाई रोक लगाई उसे लेकर जनता की क्या राय है, इसे लेकर जो नीति बनाई गई अब उस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और आज RWA कन्फेडरेशन में लगभग 60 से ज़्यादा RWA के प्रतिनिधियों ने बैठक कर इस मामले पर चर्चा की। हमारे साथ कन्फेडरेशन के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। क्यों सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं और क्या चाहते हैं सरकार से, आइए उनसे बात करते हैं। गर्ग साहब, लगातार RWA के एफर्ट्स रहे कि इस मामले को लेकर चौथा फ्लोर जो है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दे। सरकार ने अस्थाई निर्णय लिया, लेकिन एक जनता क्या चाहती है, क्योंकि अलग अलग पक्ष अपनी बात कर रहे थे, नीति बनाई, लेकिन आज उस बैठक में चर्चा हुई और उस नीति पर सवाल उठाए गए हैं, क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो ये, सरकार ने जो स्कीम बनाई वो ही गलत बनाई। उसमें जो कमेटी में लिए कोई RWA का मेंबर नहीं लिया, कोई एक्सपर्ट नहीं लिया। सरकार ने अधिकारियों की कमेटी बना दी और वो अधिकारियों की तो सोच पहले से ही बिल्डरों के फेवर में है। और जो अब ये सर्वे हुआ, उस सर्वे में भी सरकार ने जो दिखाया है, अब इतने बिल्डरों ने, इतनों ने, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, इतनों ने उनके फेवर में दिया, वो सब फेक हैं। अगर ID के साथ सर्वे किया जाए तो लोगों का ऑब्जेक्शन अपर पाएगा। हर घर से लोग दुखी हैं। अगर फ्लोर वाइज ये बना दिए गए तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डगमगा जाएगा। सरकार को नीति लोगों के हित में बनानी चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल के हित में। लेकिन ये नीति सरकार की बिल्कुल हर तरह से गलत है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं सरकार के पास, ना पानी का है, ना सीवर का है, ना बिजली का है, और ना आब हवा का है, ना वातावरण का है। तो सरकार किस उद्देश्य से बनाना चाहती है, सिवाय रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए? सरकार की जो नीति है वो सेक्टर वालों के खिलाफ है, वो गलत है। गजराज जी, जो बिल्डर लॉबी है वो ये कहती है कि जब वो बिल्डर फ्लोर को लेकर उन्होंने ज़मीन खरीदी या सरकार के पास जो नॉर्मल तौर पर जो पैसा जमा कराया जाता है उससे अधिक राशि सरकार वसूलती है, और उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यह मतलब होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करे, तो ये सरकार को देखना होता है कि लोगों को परेशानी ना है। कितना इस बात से सहमत है और आज की बैठक के प्रमुख एजेंडा क्या रहा? सबसे मेन एजेंडा मैडम हमारा यही था 4th फ्लोर का। इसमें सबसे बड़ी गलती तो यह है सरकार की, सरकार को अधिकार ही नहीं है। ये सेक्टर जो है 50 साल पुराने सेक्टर हैं, उनमें तो इन्हें इन्हें सोचना भी नहीं चाहिए फ्लोर के बारे में। क्यों? ये सुविधा जो दे नहीं पा रहे हैं वो पुरानी लाइन है, 50 साल पुरानी छोटी लाइन है, पानी की बड़ी दिक्कत है, सीवर की समस्या है। उसके बाद जो हमारा सेक्टर ये डेवलप किया गया है वो किस पॉलिसी के आधार पर किया गया है, इनका कोई अधिकार ही नहीं है। डेवलपमेंट चार्ज हमारे लोगों ने दिया जिन्होंने रजिस्ट्रिया किए हैं, प्लॉट खरीदे हैं, कोठी बनाने के सपने लिए हैं, कोठी बना के रह रहे हैं, डेवलपमेंट चार्ज उन्होंने दिया है। सरकार का सिर्फ अधिकार इतना है मेंटेनेंस करे, यहाँ से टैक्स ले, पानी का बिल, बिजली का बिल, हाउस टैक्स ये ले, वो ये ना करे कि भाई यहाँ अपना फ्लोर पास करवाए और उससे जो 80-90 लाख रुपए एक 500 गज से जो है सरकार को इनकम होती है, जबकि उन्हें एक पैसा भी सेक्टर में नहीं लगाती। ये सरासर गलत है, हम इसके विरोध में हैं। अगर हमें हमारा कोई कमेटी का मेंबर अपनी इसके कमेटी में नहीं लिया गया तो हम इसके खिलाफ कोर्ट तक जाएंगे जी, बिल्कुल। और देखिए लगातार RWS जो है मुखर हो रही है। हमारे साथ AS चावला जी, AS गुलाटी जी यहाँ पर मौजूद है। सर, एक बिजली को लेकर भी आज RWA में काफ़ी चर्चा की गई, एक आक्रोश देखा गया, क्या ये मुद्दा है और सरकार से हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? बिजली में दो मुद्दे हैं, पहला है फ्यूल सरचार्ज, दूसरा है अग्रिम राशि। पहला फ्यूल चार्ज इन्होंने अभी लगाना है, अभी पिछले महीने ऑर्डर किया, इसका आदेश पिछले महीने आया और अप्रैल 1 से लागू होगा, और ये 52 पैसे पर यूनिट है, और ये जून 24 तक लगेगा, और ये जून में हटेगा नहीं, ये चलता रहेगा, ये तो कहने की बात है, एक चलता रहेगा। दूसरा मुद्दा जो है अग्रिम जमानत जमा राशि, अग्रिम जमा राशि जो है ये इन्होंने बिना मतलब की एक बात ले ली, कोई है नहीं पॉइंट, कोई लगाने का तुक भी नहीं है, उसको लगा दिया। ये दो मुद्दे इन्होंने ऐसे जोड़ दिए हैं कि कंज्यूमर जो है, जो उपभोक्ता है, बिना मतलब का उसके वजन डाल दो, जितना डाल सकते, उसकी नियत पे सवाल खड़ा कर दिया है सरकार ने एक तरह से। हाँ जी बिल्कुल। तो हम तो हमारी कन्फ्रंटेशन जो है इसके बहुत खिलाफ है। हमने CM साहब को भी DC साहब के थ्रू मेमोरेंडम दिया था 24 मार्च को, और एक्नॉलेजमेंट भी आई है वहाँ से कि हम संज्ञान ले रहे हैं इस पे जी।
रणबीर जी, जैसा गर्ग साहब कह रहे थे, गजराज जी ने बताया कि संशय की स्थिति बनी हुई है, जो सर्वे कराया गया है, क्या कुछ सुगबुगाहट, क्योंकि आप लोग भी इस बारीकी पर नज़र रखे हुए हैं, क्या सुगबुगाहट चल रही है? क्या लगता है कि बिल्डर लॉबी एक बार फिर जीत जाएगी, या फिर लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो लोगों का दर्द है उसको भी सरकार समझेगी और अधिकारियों की मनमानी कम से कम इस मामले में नहीं चल पाएगी? सरकार को बिल्कुल समझना चाहिए, ये जो फैसला आए जनमत के खिलाफ है, इससे कोई भी खुश नहीं है, कोई सेक्टरवासी खुश नहीं है, क्योंकि जो इस तरह से येस और नो के टिक मार करके इन्होंने जो सर्वे कराया है, ये टोटल फेक है। उन्हीं के बिल्डर्स के आदमी बिठा दिए हैं, या एक घर में पांच आदमी है तो पांच में येस नो करा दिया है, तो ये टोटली जैसे बोले कि उसमें कोई वो नहीं है इसकी। अगर हम कहें कि ये प्रमाणिक है, इसका कुछ ऐसा कोई नहीं है, अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो टोटल फेक मिलेगा ये। और कॉन्फेडरेशन पिछले महीने भी मीटिंग हुई थी, आज भी इसी मुद्दे पर जैसे बता रहे गजराज जी और गर्ग साहब कि हम कोर्ट में भी जाएंगे, इस मुद्दे को ढीला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जनहित में नहीं है मुद्दा है। आप भी समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, चार चार इंच की पहले पाइपलाइन डली हुई है, आज एक मकान पर चार मकान हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो देखिए, एक बार मैं आपको कैमरे की नज़र से ये दिखाना चाहूँगी कि ये तमाम RWA से जुड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज मांग सरकार से यही कह रहे हैं कि जब टैक्स देते हैं तो अपना हक भी उन्हें मिलना चाहिए। क्या नाम है सर आपका और कौन सी RWA से? RS मावी एडवोकेट जी, सेक्टर 7D का प्रेजेंट हूँ मैं जी। और मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ, अभी यहाँ भी मैंने कन्फेडरेशन में उठाया था कि हमारे ब्लॉक में एक लाल क्वार्टर थे जो कई सालों से हम उसे तोड़ने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन सरकार ने हमारी सुनी और 7 साल के अंदर वो टूटे। लेकिन कहेगी अब हम ये चाहते हैं कि हमारे ब्लॉक में 3 पार्क ऐसे हैं जो सरकार ने स्कूल के लिए अलॉट कर दिए, हम चाहते हैं उन 3 पार्कों के बदले में हमें वो लाल क्वार्टर की जो जगह है जिससे कि लोग वहाँ घूमें, सेहत से उनका खिलवाड़ ना हो सरकार, वहाँ पार्क बनाया जाए, ये हमारी डिमांड है। और मैंने कॉन्फिडेंस में उठाया मुद्दा और सरकार के साथ भी उठाया, RDI भी लगाई, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला हमें और कोई सुनवाई हमारी हो नहीं रही। मैं आपके चैनल से चाहूँगा कि ये मुद्दा सरकार तक जाए और हमारी ये सुनवाई हो। गर्ग साहब, बिजली को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आज बैठक में भी चर्चा की गई, क्या एजेंडा रहा बिजली को लेकर और क्या आगे की रणनीति इस पर तैयार की गई है? देखिए मैडम, बिजली का सीधा सीधा मुद्दा ये है कि बिजली चोरी बहुत होती है, सरकार चोरों को पकड़ने में तो नाकाम है और जो ईमानदारी से बिल भरते हैं उन्हीं के ऊपर बोझ डालती चली जाती है। जो हमारी सरकार का नारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त हम हरियाणा प्रदेश को देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार तो बढ़ता चला जा रहा है। अभी एक और मुद्दा हमारा डिसाइड हुआ था कि कल खबर आई कि पार्कों का जो रखरखाव है हम हुड्डा को दे देंगे, ठेकेदारों को देंगे। अभी तक RWA बहुत अच्छा मेंटेन कर रही हैं, RWA को समय पर पैसे भी नहीं देती सरकार, समय पर पैसे भी नहीं देती हैं और वो अपनी जेब से खर्चा करके देते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, अधिकारियों को कमीशन नहीं मिल पाता RWA वाले पेमेंट से, तो वो चाहती हैं कि ठेकेदार को देके उनसे कमीशन वसूला जाए। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी, जब RWA को समय पर देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है तो ठेकेदार को देने के पास कहाँ से आएंगे? देखो जी, सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की है, वो कमीशन चाहते हैं कि कमीशन मिलेगा, ठेकेदारों को पेमेंट कर देंगे। पैसा सरकार के पास बहुत है, 200 करोड़ रुपए फ्री में बांटने के लिए तो है, बगैर काम के पैसा तो खूब है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन RWA को देने के लिए नहीं है, भ्रष्टाचारियों को देने के लिए है। अजीत जी, आप भाजपा नेता भी हैं, सरकार आपकी है, तमाम लोग ये परेशान हैं, पार्षद के भी उम्मीदवार आप हैं, क्यों सरकार के कानों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है कि जो ये वोटर हैं, जो मतदाता हैं, इनको क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रही है सरकार? देखिए, आज जो ये मीटिंग रखी गई है कन्फेडरेशन के, हमारे NK गर्ग चेयरमैन जी, हमारे अंकल रणवीर चौधरी जी, गजराज नागर जी और सभी RWA के जो अधिकारी हैं कन्फेडरेशन के, आज यहाँ बैठे हैं, तो ये आज वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने के लिए ही करी जा रही है, सबको संतुष्ट करने के लिए मीटिंग करी गई है और अपनी बात हम आला अधिकारियों तक पहुँचाएंगे और जल्दी ही सभी जो RWA की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और गर्ग साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती, चुनावी वर्ष है आगामी, सरकार से अब क्या सीधे तौर पर कहना चाहेंगे बिना लाग लपेट के कि यदि RWAs के लोकल लोगों की अगर नहीं सुनी तो आने वाले समय में RWA एकजुट होकर क्या कुछ निर्णय ले सकती हैं ताकि आने वाले समय में उन्हें परेशानी ना हो? अगर रिवेन्यू एंगल से अर्बन स्टेट पे सरकार का कुठाराघात होगा तो बट नेचुरल है एक न एक दिन RWA विरोध में खड़ी हो जाएंगी। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि हर रिवेन्यू एंगल से सारी लाइबिलिटी सेक्टर वासियों पे क्यों डाल रही है? अब 52 पैसे की जो लगाने की क्या तुक है, अभी तो सिक्योरिटी चार्ज लिए,
फिर गवर्नमेंट कहाँ है? गवर्नमेंट वसूल कर सकती है, जो पैसा नहीं देता उसे वसूल नहीं कर सकती? फिर सिक्योरिटी चार्ज लेने का प्रश्न क्या? ऐसे ही 52 पैसे लगाने का प्रश्न क्या? इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि RWS को भी पावर दें और RWS से कन्फर्म करके तभी कोई निर्णय लागू करें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान सरकार को हो सकता है। कब तक कन्फेडरेशन वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगी? सर्वे रिपोर्ट सरकार को देनी है, सरकार आज देती है, चुनावों के बाद देती है, ये अभी निर्धारित नहीं किया गया है। कब तक आप वेट करेंगे और उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? आज निर्णय लिया है, मई तक हम इंतजार करेंगे, मई के बाद फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, RWE कन्फेडरेशन ने जो है मई का अल्टीमेटम सरकार को दिया। जी सर, संक्षिप्त में अपनी बात रखें, नाम बताएं अपना। हाँ मैडम, मेरा नाम डीडी आहूजा है। अगर आप S+4 पे पूरी एनालिसिस सुनना चाहें तो 2 मिनट में सुना सकते जी, शॉर्ट में बताइएगा। शॉर्ट में ही बताऊँगा। S+4 जो स्कीम जो हम लगातार सुनते चले आ रहे हैं, ये समस्या पिछले 3-4 साल से पैदा हुई है। पहले कोई सेक्टर में नहीं थी, अब हमारा सेक्टर 49 जो है सिंगल प्लॉट सिंगल फैमिली सिंगल सिस्टम। अब वहाँ पे क्या है कि सीवर लाइन जो है वो जी जी इंफ्रास्ट्रक्चर की परेशानी आती है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक परिवार के हिसाब से हो गए हैं, जो फ्लोर एक के जगह 4 आ गए हैं। अब एसोसिएशन जो है वो कोठी वालों की प्लाट वालों की नहीं रही, और जो ये बनता है 90 लाख में खरीदा जाता है, 90 लाख इस पे बनाने में 4 फ्लोर में कास्ट आती है, 40 लाख जो है गवर्नमेंट को जाता है, 2-20 टोटल खर्च होता है, और उसके अंदर जो बाकी का 4 में से बचता है वो नंबर 2 में इसके बिल्डर्स के और फाइनेंसर के जेब में जाता है। इसके लिए जो कई बार लिखा गया है, ऑलमोस्ट डेली रिमाइंडर भेजा जाता है राइटिंग में, ईमेल भी, व्हाट्सएप भी, ट्विटर भी, आज भी 7-8 हैं जो गए हुए हैं, जो वो मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं। इसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, और कुछ सुनेंगे तो बताऊँगा। क्या नाम है सर आपका? जगदीश चौहान, सेक्रेटरी। चौहान साहब, अभी सर कह रहे थे और कई लोगों ने कहा कि आप लोग सरकार कहती है कि हम तक आए, समस्याएं बताएं, समस्याएं बता दी जाती हैं, समाधान देने वाला कोई नजर नहीं आता है। ऐसा है जी, मैं तो जो से सीएम साहब से कई बार मिला हूँ, खुला सीएम साहब ने खुला दरबार लगाया 16-10 को, मैं सीएम साहब से मिला था, 7 मुद्दे दे के आया था। उसमें एक हमारे सेक्टर में पानी भरता है, और आपने सेक्टर 21 सी आपने सुना होगा, पिछली बार एक आदमी डूब के ही मर गया था। 10 कोठी हर साल डूबती हैं, वाटर वर्सी दीवार टूट जाती है, 4-4, 5-5 दिन पानी की सप्लाई नहीं होती, मोटे डूब जाती हैं, और उसका जो है आज तक मतलब कोई भी समाधान नहीं हुआ। पिछले साल जो है मतलब इतना पानी भरा था कि एक आदमी की डेथ भी हो गई थी। तो 16-10 को खुले दरबार में मैंने ये कंप्लेन लगाई थी, आज तक जो है कोई भी ये पूछने नहीं आया कि जी आपकी क्या कंप्लेंट है। उसके बाद में 2 मार्च को मैं सीएम साहब से गर्मी से कमेटी में आमने सामने बात हुई थी, मैंने 2 मुद्दे उसमें लगाए थे, एक सड़क का 3.5 साल से वर्क ऑर्डर होया पड़ा है, भाई हमारी सड़कें नहीं बन रही, और दूसरा पानी का, भाई पानी भरता है, 10 कोठी डूबती हैं, वाटर वर्क डूबता है, और ये सारा उसमें रखा था। जो तो उसमें जो है सीएम साहब ने आदेश दिए थे भाई 12-15 दिन के अंदर स्टार्ट करो, और अगली मीटिंग तक, अगली मीटिंग में जब मैं आऊँ उससे पहले ये कंप्लीट करो। तो अब क्या है, 3 सड़कें छोड़ के 10 दिन पहले ठेकेदार जो है फिर भाग गया है। क्यों भाग गया है? कि उसकी पेमेंट नहीं होती, ठीक है। और पानी के मुद्दे पे गर्मी क्षेत्र कमेटी में लगाने के बाद भी पानी के मुद्दे में कोई अधिकारी आज तक मेरे से बात करने तक नहीं आया, और जबकि 16-10 को खुले दरबार में मैंने ये लगाई थी। जो तो ये हाल है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जो बिल्कुल देखिए, RWA कन्फेडरेशन जो है लगातार यही मांग सरकार से कर रही है कि अगर वोट चाहिए तो विकास देना होगा, अगर वोट चाहिए तो लोगों की सुननी होगी, उनकी सुनवाई और समस्याओं का समाधान करना होगा। अब देखना यह है कि तमाम मुद्दों को लेकर फरीदाबाद की जो RWAs है सरकार के खिलाफ लगातार मुखर हो रही है, आने वाला चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में सरकार किस तरह से संतुलन स्थापित करती है ताकि हर वर्ग को संतुष्ट कर सके, और इस मामले में विकास को लेकर कहीं ना कहीं जो लोगों की टीस है उस टीस को कम करने का काम कर सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV।